बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर संत समाज ने आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र से संबंध में ठोस कदम उठाने की मांग की है ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर संत समाज ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिस कारण से अल्पसंख्यक हिंदुओं में काफी डर का माहौल है। भारत सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। संत समाज ने संयुक्त राष्ट्र संघ और सार्क देशों से भी हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि भारत सरकार को हिंदुओं की आवाज विश्व पटल पर रखना चाहिए ताकि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आघात जो होता है कहीं ना कहीं प्रशासन की समस्या रहती है, प्रधानमंत्री के अभाव से या किसी भी कारण से आत्मा में या सनातन के अभाव से, जो सनातनी नहीं है, जो लोग धर्म को नहीं पहचानते, जो धर्म की परिभाषा नहीं जानते, उनके साथ ही दिक्कत होती है। लेकिन एक बात तो है, खेद है, दुख है इस बात का कि हमारे हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ है, जो दुखद घटना है। ये इसके लिए हम लोग शोक प्रकट भी करेंगे, लेकिन एक हर्ष का विषय ये भी है कि कुछ ही समय में मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया है जो निर्णय सराहनीय है और बांग्लादेश के लिए बहुत लाभकारी होगा। बहुत जल्दी बांग्लादेश के लिए प्रधानमंत्री को तय किया गया, तय हो जाएगा और बहुत समस्या रखेगा। जो पार्टियां आज सनातन धर्म के लिए कार्यरत हैं उसको हम आत्मसात नहीं कर रहे हैं, ऐसी संस्कृति सभ्यता वाली पार्टियों को अपना रहे हैं, इसलिए एक उठाराघात हमें देखने को आ रहा है। आज तुलसीदास जी का जन्म दिवस होते हुए भी आज हमें उनका तजा शरीर और धरो शरीर दोनों को स्मरण करना चाहिए और ऐसे ही जीवन में यदि हम सनातन धर्म को अपनाएंगे तो निश्चित ही हमारा देश विकास करेगा और सनातन धर्म जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। मानव होने के नाते मानव सभ्यता का एक देखभाल करना, उसका रखरखाव करना हर मानव का फर्ज बनता है। हर इंसान किसी न किसी धर्म जाति से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इंसान तो है, जीव तो है, किसी भी चीज के साथ अत्याचार हो उसको जाति धर्म के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।